तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया, वो देखो वीलॉग बन रहा है और हम लोग इस वक्त मरी निकल रहे हैं। इसके ये तो प्लान अलावा किया आप दोनों ने। कैसे बने बहुत सैंडविच? मजा आया ना? आप जा किधर रहे हैं? सिंबा सिंबा जा ये रहा मरी के सिंबा जा रहा है जी। कान जब अपने जो बंद हो गया उसको खोलेंगे देखा। सॉल्ट रेंज में जो है वो फट गया था, शुक्र अल्लाह का कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस वक्त तकरीबन रात के 2:30 बजे का टाइम है और मैं आप देख रहे होंगे कि तैयार होकर टीवी रूम में बैठा हुआ हूँ। इसके पीछे वजह यह है कि वर्दा को मैं सरप्राइज़ करने वाला हूँ। हम इस वक्त निकल रहे हैं मरी की तरफ। वर्दा को बिल्कुल नहीं पता, वो बड़े आराम से उनसे सो रही है, मूसा भी सो रहा है। अब मैं जाऊँगा वर्दा के पास, वर्दा को जगा के मैं बाहर लेकर आता हूँ। कॉलर माइक इसलिए मैंने लगा के रखा हुआ है कि मैं माइक हाथ लेके जाऊँगा, मैं उसको जगाऊँगा और मैं मोबाइल को बाहर कहीं छुपा के जा रहा हूँ और फिर मैं वर्दा का रिएक्शन देखता हूँ। सबसे पहले तो वर्दा परेशान होकर पूछे कि खैरियत है कि इस वक्त आप जाग रहे हैं और बाहर बैठे हो और इतने तैयार होकर बैठे हुए हैं। तो मैं उसको सडनली बताऊँगा कि सरप्राइज़ ये है कि हम लोग जा रहे हैं मरी और जल्दी से तैयार हो जाओ। अभी मैं जा रहा हूँ रूम में वर्दा को जगाने के लिए। मैं मोबाइल को बाहर कहीं हाइड करके जाऊँगा। वर्दा को नहीं पता कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी नहीं पता उसको कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसका रिएक्शन देखने वाला होगा कि अचानक हम इस वक्त मरी की तरफ जा रहे हैं। और अब मैं जा रहा हूँ रूम में, सबसे पहले मैं मोबाइल सेट करूँगा। ट्रस्ट मी वर्दा को बिल्कुल नहीं पता, कैमरा मैं बड़े तरीके के साथ मैं छुपा रहा हूँ। वर्दा बात सुनना ज़रा, काम बाहर आना, काम है काम है, आओ तो सही, आओ तो सही बाहर। बात तो सुनो, बात सुनना यार, एक मिनट ज़रा बैठोगी? काम है छोटा सा। हाँ ठीक है। क्या हाँ तभी हो ठीक है हुआ आपको? यार, एक ज़रूरी काम था, बात करनी थी। टाइम तो टाइम हो रहा है? तकरीबन कोई 2:30 बज गए हैं। अच्छा, क्या हुआ है? क्या अच्छा मेरी बात सुनो, तैयार नहीं है तुम भी तैयार हो जाओगी? तुम? मतलब क्या बात है? तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया, वो देखो वीलॉग बन रहा है और हम लोग इस वक्त मरी निकल रहे हैं। आ मजाक कर मजाक नहीं कर रहे रहा, वो देखो कैमरा छुपाया हुआ है। अच्छा काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और हम जितनी जल्दी हो सके पैकिंग कंप्लीट करें और हम निकले मरी का। मेंट लगाओ, यही सरप्राइज है जो तुम मुझे बार बार कह रही थी ना कि मुझे सरप्राइज दोनों चाहिए और ये सरप्राइज है। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, उठो 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 उठो। वरना मैंने तुम्हें सिर्फ 30 मिनट कहा था और तकरीबन हमें 2 घंटे हो गए पैकिंग करते हुए। और पैकिंग आप चेक कर लें ज़रा, मूसा जो है वो उठ चुका है। हाँ जाहिर सी बात है, जब आपने 30 मिनट, 30 मिनट में तो पैकिंग बहुत मुश्किल है। तो अगर बस दो ऐसे ही है ना, फिर करनी चाहिए थी ना। वैसे लोगों के लिए तो खास तौर पे मेरा प्लान ये था कि हम पैकिंग करके 30 मिनट में निकल जाए, लेकिन आपको पता है कि खवातीन फिर इनका तो काम है टाइम लगाना। चलो तो यार बस जल्दी करो यार, चलो ठीक हो गया, चलो बस आ जाओ यार, मैं गाड़ी में सामान रख रहा हूँ। कहाँ से पहुँचूँ यार? बहुत लेट करा दिया, आपकी मामा ने लेट कराया, मैंने तो नहीं कराया। मूसा आ बैठो गाड़ी में, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ओके 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 ओके, आ जाओ यार वरदा, बस निकले। अच्छा वरदा, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है और सरप्राइज यहाँ पर तुम्हारे पास चलते हुए आ रहा है। तुम्हें क्या सरप्राइज है? वो पता है हम अकेले तो नहीं जा रहे हैं, तो पता है मुझे, किसी का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। किसका वेट कर रही हूँ? कौन आ रहा है बस थोड़ी देर में आ रहा है, बताएं तो सही। आ रहा है बस आ रहा ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। वर्दा की मामा है जी ये, और वर्दा को मामा को भी हम साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ये वर्दा को बिल्कुल नहीं पता था। और इसके ये तो अलावा, प्लान किया आप दोनों ने। गाड़ी में खाला हैं, दो खाला भी हैं, वो भी साथ जा रही हैं।
लेकिन वर्धा की मामा को यहाँ पे पेट्रोल पंप इसलिए बुलाया था कि ये वर्धा को सरप्राइज देने के लिए बुलाया था। आंटी हेलो कर दें। हेलो। चाय आ गई हमारी। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर ट्रैवलिंग के दौरान आपका स्टे नहीं है, तमाम नहीं है, तो मज़े ही सारा ख़राब हो जाता है। अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। बाकी ये बताओ कि कैसा लगा ये सारा सरप्राइज? बहुत बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। कैसे बने सैंडविच? बहुत मज़ा आया ना। स्प्राइट स्प्राइट लाओ। प्याज ले जाओ। क्या लेके आऊँ? कुछ नहीं, कुछ कुछ तो है। मूसा आप एंजॉय कर रहे हैं? आप जा किधर रहे हैं? सिंदबाद। सिंदबाद जा रहे हैं। मरी के सिंदबाद जा रहा है जी। इसको हम ये कह के लाए हैं कि हम लोग सिंदबाद जा रहे हैं और कार्ड भी इसके पास है सिंदबाद का ना। कहते बाबा मरी नहीं जाना, मैंने सिंदबाद जाना है। सिंदबाद जाना है। अच्छा, प्लान हमारा कुछ ऐसा है कि हम लाहौर से निकले हैं, अभी हम अभी स्टे किया है, नाश्ता किया है और चाय पी रहे हैं, चाय एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, सिंदबाद जा रहे हैं। अच्छा जी, हम तो मरी जा रहे हैं। आप सिंदबाद जा रहे हैं, लेकिन हमारा तो प्लान मरी जाने का है। मरी में अगर कोई सिंदबाद होगा तो मैं आपको वहाँ पे एंजॉय करवा दूंगा। ओके। मोटरवे का सफर जितना आरामदेह है उतना ही ये खतरनाक भी हो जाता है अगर आप एहतियात से ना चलाएं गाड़ी। अभी फिलहाल हम जो है वो डेंजरस रोड्स पे आ गए हैं, जहाँ पे अल्लाह माफ करे पिछले दिनों काफी एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। अभी सॉल्ट रेंज का एरिया जो है वो बस स्टार्ट करने लगे हैं, खैरियत से यहाँ से क्रॉस करें हम। बाकी है कि जितना हो सके एहतियात करनी चाहिए इंसान को। मेरी आदत है कि मैं हमेशा जो मोटरवे की स्पीड लिमिट है ना उसको कभी भी क्रॉस नहीं करता। मैं तो लिमिट से नीचे रख के गाड़ी चलाता हूँ। वैसे भी जब फैमिली साथ बैठी हो तो इंसान को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। मूसा 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 मस्तियाँ करते हुए, आप मस्तियाँ कर रहे हो बाबा के साथ। तैमूर एक बात तो बताएं, जब भी ये सॉल्ट रेंज क्रॉस करते हैं तो फैन क्यों बंद हो जाते हैं? इसका जवाब तो मेरे पास है। क्या है? क्या तुम्हें पता है? नहीं। बड़े अफसोस की बात है। नहीं, जब हम पहाड़ों के दरमियान से जो रोड बनी होती है जब उसको क्रॉस करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से हमारे कान जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बंद हो गए हैं। और इसको वो ठीक करने का क्या तरीका है? इसको ठीक करने का तरीका तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ और बाकी सब देखने वाले भी जानते हैं। बस ठीक है, कान जब अपने जो बंद हो गए उसको खोलने का तरीका समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? Yeah. ये तो वैसे बहुत ही फनी तरीका है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं तो आपके बंद हुए? साइड से बात है, मेरे भी बंद हुए। मेरे तो कुछ बहुत ज्यादा ही ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही मुझे तो। आपकी भी, आप बिल्कुल पास बैठे हुए तो मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या क्या कह रहे हैं? ट्रेजेडी हो गई, टायर पंचर हो गया। मरी पहुंचना ही हमारे लिए यकीन माने आज मुश्किल हो गया है। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। गाड़ी का टायर कलर कहार के पास जो है वो यहाँ पे सॉल्ट रेंज में जो है वो फट गया था। शुक्र अल्लाह का कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी बस ऐसा है कि हम लोग वो सामने रोड चल रहा है जा रहा है जो मरी की तरफ। इंशाल्लाह ताला हम घंटे में इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। शुक्र अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने किसी नुकसान से बचा लिया। और ऐसा है कि मोटरवे के ऊपर तो टायर बहुत महंगा चेंज हो रहा था। सपनी के साथ मैं इस्लामाबाद आया हूँ, इस्लामाबाद में जो है वो मैंने टायर जो है वो इंस्टॉल करवाया नया, और अभी जा रहे हैं मरी की तरफ। ले जी, हम फाइनली मरी पहुँच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सेफ एंड साउंड जो है वो मरी पहुँचा दिया है। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा टायर जो है वो बस्ट हो गया था और शुक्र है कि किसी बड़े नुकसान से हम बच गए हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि मरी का वेदर इस वक्त बहुत लेवल पीछे देखो, पीछे दिखाएं तो सही, बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है।
अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे क्लाउड्स है, हमें तकरीबन कोई 30 मिनट्स हो गए यहाँ पे पहुँचे हुए। और आ जाओ मूसा, आप भी आ जाओ, आप भी हेलो कर दो, हेलो कर दें। अच्छा मतलब मुझे आप ये बताओ कि सबसे अच्छा हस्बैंड कौन होता है? जो अपनी बीवी को मरी लेके आता है। और आगे से मौसम भी इतना अच्छा निकला है। बात तो सही है। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा मूड हमारा कुछ ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं और तकरीबन हम तकरीबन 2-2.5 बजे उठ गए थे, निकलते निकलते लेट हो गए पैकिंग करते करते। हो सकता है कि हम आज का जो व्लॉग है यहाँ तो यहीं पे एंड कर देंगे, और अगर हम अभी ना इसको ऐड कर सके इस व्लॉग में तो जाहिर सी बात है अभी जो ये टूर चल रहा है इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और हम अपने पार्ट्स में हो सकता है कि इन व्लॉग्स को जो है वो शेयर करें। सो स्टे ट्यून्ड।